मैं कर्नल अजय astromanyguru.com से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और हल्दी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। हल्दी आज मजबूती की तरफ अग्रसर हो सकता है। गौर कीजिएगा, पिछले 5-6 महीने से हल्दी के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है। हल्दी के अंदर बड़ी तेजी की संभावना बन रही है और दिवाली तक हल्दी के अंदर अच्छी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। विशेष ध्यान रखें, स्पॉट यानी हाजिर के व्यापारी हल्दी के ऊपर नजर रख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कमोडिटी है आपकी धनिया, कोरिएंडर। कर्नल अजय astromanyguru.com की तरफ से आपसे मुखातिब होता हूं और याद रखिए, धनिया जो है पिछले लगभग 2 महीने से काफी कारोबारियों को हैरान परेशान कर रहा है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर धनिए के अंदर बड़ी तेजी बनेगी। आपको याद होगा हमारे पिछले 3-4 एपिसोड्स के अंदर हम लगातार आपको कह रहे हैं कि स्पॉट के जो धनिया है वो आप त्योहारी मांग बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बन रही है और धनिया का जो इंटरनेशनल मार्केट का जो भाव है वो भारतीय धनिए के मुकाबले काफी अधिक है और उसका भाड़ा और इम्पोर्ट ड्यूटी और सब चीज लगाने से वो पड़ते में नहीं बैठता है। तो धनिए के अंदर जो हाजिर के व्यापारी हैं वो विशेष ख्याल रखें, संभवतः आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको धनिए के अंदर अच्छा मुनाफा मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, तीसरी कमोडिटी है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है जीरा। कर्नल अजय की जीरे के ऊपर जो राय है, देखिए जीरे के अंदर भी अब धीरे धीरे मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पॉट और एनसीडीएक्स के ऊपर धीरे धीरे धीमी गति से जीरे के अंदर तेजी बनने की संभावनाएं बन रही हैं और ये एक मसालों का एक अहम हिस्सा माना जाता है जीरा। जीरे की जो स्पॉट की भी खबरें आ रही हैं और उसके मुताबिक जीरे के अंदर स्लो के अंदर भी ये तेजी दिखा सकता है। जीरे के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने संभवतः मंदी के नहीं है, इसका विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, ये था एग्रो कमोडिटीज पर आज की अपडेट।